दोस्तों, हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना आईएएस बनने का तो होता है, मगर टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट्स में से सिर्फ 1% ही उस जगह तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अपनी कुछ गलत आदतों के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी और अलग अलग सिचुएशंस में आपकी अप्रोच का भी टेस्ट होता है। और क्या आप जानते हैं कि इन्हीं फैक्टर्स से आपकी तैयारी भी प्रभावित होती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस बनने के लिए किन किन कमजोरियों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी एक तपस्या से कम नहीं होती है, और इसमें भी उसी तरह के ध्यान, फोकस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। कई बार इस दौरान हमारा ध्यान भटकता है और हमारी तैयारी प्रभावित होती है। आपको इससे बचने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, जब कोई सीरियसली यूपीएससी के लिए तैयारी करता है तब उसे पूरी दुनिया से खुद को अलग करना पड़ता है। आपको अपने अंदर ये एटीट्यूड लाना होगा कि आपके गोल से दुनिया की कोई ताकत आपको भटका नहीं सकती है। अपने टारगेट्स सेट कीजिए और उन्हें हर हाल में पूरा कीजिए। दोस्तों, बिना ऑब्जेक्टिव के की गई पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हर दिन के अनुसार टारगेट्स बनाइए। मगर इन सब के बीच इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका जो बनाया हो रूटीन है वो मोनोटोनस तो नहीं हो रहा। इसके लिए अच्छा होगा कि दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े जाएं। तो कुछ लोग तो ये गलती करते हैं कि वो तैयारी शुरू करने से पहले ढेर सारी बुक्स खरीद लेते हैं मगर उन्हें पढ़ नहीं पाते। तो आप ये गलती मत कीजिए। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी को अधिक टाइम दीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए और अपनी गलतियों में लगातार सुधार कीजिए। और एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है कि तीनों चरणों की तैयारी एक साथ नहीं करना। तो दोस्तों, याद रखो कि अंतिम चरण में सिलेक्ट होने के बाद ही आप आईएएस ऑफिसर बनते हो, इसीलिए तीनों चरणों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों, पढ़ाई के अलावा अपने एटीट्यूड में भी आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अपने ऊपर भरोसा होना भी बहुत अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों से बचिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, इसलिए अपनी गलती को खुले मन से स्वीकार कीजिए और उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। इसी तरह अंडर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको अपने आप पर, अपने काम पर भरोसा नहीं होता। इसके लिए अपने और अपने काम पर भरोसा रखिए, आपने जो किया है वो सही है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल का चुनाव भी बहुत सोच समझ के कीजिए। ऐसे दोस्त बनाएं जिनसे आप अपनी पढ़ाई को डिस्कस कर सकें, उनसे सवाल पूछिए, उनके सवालों के जवाब दीजिए। साथ ही साथ अपने आसपास हो रही घटनाओं पर भी ध्यान दीजिए और उन पे अपना व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। अपने लिए ब्रेक जरूर निकालिए, और जब आप कोई छोटा गोल अचीव कर ले तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश कीजिए। एक बार में एक ही काम पर फोकस कीजिए, और अंत में सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, कोई हॉबी डेवलप कर लीजिए और उस पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, योग अभ्यास कीजिए और अपने आप को फिजिकली फिट रखने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।